बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज्ज़ा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में फ्राई पैन लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है और इसके अंदर 1 कप चिकन जो है बोनलेस लेनी है, बहुत छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं। इसको थोड़ी देर पका देना। ओके, अब इसमें 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून राइस विनेगर और इसमें सॉल्ट जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 टेबलस्पून जो है इसमें जाएगा केचप। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून तक ले लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस जाएगा। इन सब चीज़ों को मिक्स करके बना लेंगे, पका लेंगे और इसका पानी खुश्क होने तक और चिकन के गलने तक हम इसको पकाते रहेंगे। चिकन जो है वो रेडी हो चुकी हुई है, इसको अभी हम ठंडा होने देते हैं और बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बेल पेपर ले लिए हैं, रेड, येलो, ग्रीन हो तो वो भी ले सकते हैं, प्याज ले लिए हैं, अगर कॉर्नस हो स्वीट कॉर्नस वो डाले जा सकते हैं। मैंने तकरीबन सब 3-3 टेबलस्पून ले लिया। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ और 3 टेबलस्पून ही मैंने चेडर चीज़ लिया और इनको मैं सबको मिक्स कर लूँगी। यहाँ डब रोटी के स्लाइस ले लिए हुए हैं, इनके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस या जो भी सॉस आपको पसंद है, केचप वगैरह, वो आप डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह स्प्रेड करना है। इस पे चिकन के जो चंक्स हमने तैयार किए थे वो डालेंगे। वो डालने के बाद जो हमने अपनी वेजिटेबल्स और चीज़ रेडी की थी वो हम इसके ऊपर डालेंगे। ये डालने के बाद अब जो दूसरा हिस्सा है हम उसके ऊपर यूँ पलट देंगे और उसको अच्छे से प्रेस कर लेना। और इसके ऊपर हम दोबारा से अपनी सब्जियां डाल देंगे और जो चीज़ हमने रेडी की थी वो हम डाल देंगे। थोड़े से ऑलिव्स डाल दिए हैं। केक पैन में थोड़ा सा मक्खन जो है वो लगाना है और उसके बाद जो ये पिज्ज़ा हमने ब्रेड पिज्ज़ा में रेडी किया है वो हम इसके अंदर रख देंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए बनने देंगे लो फ्लेम पर। ओके, एक चीज़ जो मैं के इसमें भूल चुकी थी, ऑरिगेनो हम थोड़ा सा लेंगे, वो इस पर स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़े से जो चिली फ्लेक्स हैं वो हम डाल देंगे और बस तकरीबन फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढक दें। ओके जी, 3 मिनट और हो चुके हुए हैं और ये मेरे ख्याल में बिल्कुल अब रेडी है, इसका हम डिश आउट कर लेते हैं। ओके जी, हमारा जो ब्रेड पिज्ज़ा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।